Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is antipathy. We will be discussing what is antipathy, its definition, examples, merits and demerits. But before we move on, do not forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. Antipathy in anxiopathy or palliative mode of treatment. Antipathy term itself से हम क्या समझ सकते हैं? Anti मतलब होता है opposite और pathy मतलब होता है suffering. तो किसी भी suffering के opposite, just opposite अगर उसका cure होता है तो हम उसे antipathic mode of treatment कहते हैं. जैसे heat के लिए cold हो गया तो ये एक antipathic mode of treatment है. Axiom, ये एक एक्सियम पे बेस्ड है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रेरिया कंट्रारिस क्यूरेंटर, विच मीन्स ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट. ठीक है, जैसे होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन सिमिलिया सिमिलबस क्यूरेंटर, वैसे ही जो एंटीपैथी है वो किस पे बेस्ड है, किस लॉ पे बेस्ड है? कॉन्ट्रेरिया कंट्रारिस क्यूरेंटर. डेफिनेशन, इट इज अ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स which advocates administration of a medicine that produces an exact opposite condition of the symptoms of the disease from which the patient is suffering. तो ये क्या कैसा सिस्टम है? ये एक थेरापेटिक का सिस्टम है जिसमें एडमिनिस्टर हो जो मेडिसिन एडमिनिस्टर होती है पेशेंट में वो बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है जो कि वो प्रोड्यूस करती है वो उसकी सफरिंग का बिल्कुल ऑपोजिट होता है. देखिए यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट करके लिखा है, इट इंटेंड्स टू एनिहिलेट द डिजीज बाय ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स. वो डिजीज को एनिहिलेट कर देती है बाय ऑपोजिट मेडिसिनल सिम्टम्स. ठीक है, मतलब जो मेडिसिन के सिम्टम्स होते हैं, जो ड्रग उसे दी गई है, वो जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है वो उस सिम्टम का बिल्कुल ऑपोजिट होता है जिस सिम्टम से वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा हो. इट एम्प्लॉयज रेमिडीज दैट इमीडिएटली सप्रेस एंड हाइड द मॉर्बिड सिम्टम्स बाय ऑपोजिशन फॉर अ शॉर्ट टाइम. तो ये क्या करती है, ये जो मॉर्बिड सिम्टम्स होते हैं उनको हाइड कर देती है या फिर सप्रेस कर देती है, पैलिएट कर देती है ताकि वो टाइमिंग के लिए रिलीफ दे दे, रिमूवल हो जाए उनका उस टाइम के लिए. ठीक है, फाउंडर डॉक्टर सी गैलन, जो एंटीपैथी है इसके फाउंडर हैं डॉक्टर सी गैलन. मेरिट्स ऑफ एंटीपैथी, चलिए अब हम एंटीपैथी के मेरिट्स देखते हैं. इसमें पहला पॉइंट है, पैलिएशन इन डिजीज becomes necessary in all emergencies when there is no time left to act dynamic medicine. जब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि कोई डायनेमिक मेडिसिन एक्ट कर पाए किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में, हम उस केस को पैलिएट करते हैं और इन दैट केस व्हाट वी यूज इज एंटीपैथी. नेक्स्ट है, द एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज द वाइटल फोर्स सडनली overpowered by the disease like accidents, injuries, drowning, etc. तो antipathic mode of treatment ज़्यादातर ऐसे cases में use होता है जो vital force जो होती है वो suddenly overpowered हो जाती है, मतलब उसमें काफ़ी changes आ जाते हैं due to accidents या फिर कोई injury हो गई, burning हो गई. ठीक है, drowning का case हो गया इन सब cases में. आगे है, नेक्स्ट मेरिट है, इन सच कंडीशंस वेयर द सिम्टम्स आर ईदर एब्सेंट और डिफ़िकल्ट टू गेट, एंटीपैथी इज इफेक्टिव. ऐसी कंडीशन में जहाँ पे सिम्टम्स जो हैं वो या तो एब्सेंट है, मतलब हमें दिख ही नहीं रहे, या फिर हमें उनको ढूंढना मुश्किल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट. तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे केसेस में एंटीपैथी बहुत इफेक्टिव होती है. It is easy to gain patient's confidence by deluding him momentary amelioration. जो patient है आपके पास आया है बहुत डरा हुआ, ठीक है, तो ऐसे केस में आपको उसका confidence build up करना है, अपनी तरफ
से उसे अश्योर कराना है कि हाँ हम तुम्हें ठीक कर देंगे, हम तुम्हें तुम्हारी हेल्थ जो है वो रिस्टोर कर देंगे। और वो हम कैसे करेंगे, उसे मोमेंटरी एमिलियोरेशन मतलब टाइम बीइंग, मोमेंटरी मतलब टाइम बीइंग के लिए, एमिलियोरेट मतलब उसके सिम्टम्स को रिलीफ देना, आराम देना। अगर हम ऐसा करेंगे तो पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा अपने फिजिशियन के ऊपर। नेक्स्ट है डीमेरिट्स। इट इज़ एन एक्सट्रीमली फॉल्टी सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट इन विच द प्रैक्टिशनर्स डिवोट हिज अटेंशन इन मेयरली वन साइडेड मैनर टू अ सिंगल मोस्ट ट्रबलसम सिम्टम। द टोटैलिटी ऑफ डिजीज कैनॉट एट ऑल बी एक्सपेक्टेड टू बी रिलीव्ड बाई इट। इसकी डीमेरिट सबसे पहली क्या है कि ये बहुत ही फॉल्टी प्रोसेस है और इसमें जो फिजिशियन होता है वो हमेशा उसको जो सिम्टम्स दिख रहे होते हैं उनको बस पैलिएट कर देता है, मतलब सप्रेस कर देता है। वो कभी भी उस पेशेंट की डिजीज़ की टोटैलिटी की तरफ नहीं जाता है, पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ नहीं बनाता है, जिसके कारण जो परमानेंट रिलीफ है, जो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है, वो कभी नहीं मिल पाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, आफ्टर एंटीपैथिक ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन द डिजीज इज पैलिएटेड एंड एज सून एज द प्राइमरी एक्शन इज ओवर द डिजीज रिलैप्स विथ ग्रेट इंटेंसिटी ड्यूरिंग द सेकेंडरी एक्शन। तो एंटीपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है उसमें प्राइमरी एक्शन जो होता है वो बहुत सूदिंग होता है, एमिलियोरेटिंग रिलीफ देने वाला होता है, लेकिन जो सेकेंडरी एक्शन होता है कुछ बाद वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मतलब जो पेशेंट है उसकी हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगती है, या फिर जो सेकेंडरी एक्शन होता है उसकी वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्रेवेट भी कर जाती हैं कई बार। देखिए फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जांपल, ओपियम फॉर स्लीपलेसनेस या फिर ओपियम इन स्लीपलेसनेस। तो ओपियम जो है वो स्लीपलेसनेस के लिए दी जाती है, ठीक है, लेकिन उसका प्राइमरी एक्शन क्या होगा, प्राइमरी एक्शन जो होता है वो ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करता है। जो पेशेंट होता है उसको बहुत थका हुआ ड्राउजी फीलिंग आती है और जिसकी वजह से वो सो जाता है, ठीक है, लेकिन जो क्या होगा जब उसकी आगे का एक्शन होगा, दैट मींस जब टाइम रिलैप्स करेगा कुछ टाइम के बाद, उसकी जो नाइट्स होती है सब्सिक्वेंट नाइट्स आर मोर स्लीपलेस, मतलब उसको नींद नहीं आएगी और सारी रातों में, विच इज़ अ सेकेंडरी काउंटर एक्शन। फ्रेंड्स, ये प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन आपको अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आई लिंक पे मेरा एक वीडियो है मैंने बनाया, प्राइमरी एक्शन एंड सेकेंडरी एक्शन ऑफ मेडिसिन, आप उसे ज़रूर देखिएगा, आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल। तो ये था हमारा पहला एग्जाम्पल कि ओपियम जो है वो स्लीपलेसनेस के लिए दिया जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है और फिर सब्सिक्वेंट नाइट्स में नींद नहीं आती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है डिजिटालिस फॉर स्लो पल्स इन कैकेटिक इंडिविजुअल। तो जो डिजिटालिस है वो भी दी जाती है, ठीक है, लेकिन इसका सेकेंडरी एक्शन क्या होता है, ये काउंटरैक्ट करती है वाइटल फोर्स को और पल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा फीबल, बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, मतलब इतनी वीक। देखिए डिजिटालिस जो है वो ऐसे लोगों को दी जाती है जो जिसकी पल्स रेट बहुत स्लो हो, ठीक है, पल्स रेट अगर स्लो है तो पल्स रेट को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी जाएगी, तो वो है डिजिटालिस। तो टाइम बीइंग के लिए उसका प्राइमरी एक्शन है वो पल्स रेट बढ़ा देगी, बट जो सेकेंडरी एक्शन है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो पल्स है वो बहुत ज़्यादा फीबल, बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी, पेशेंट को नींद नहीं आएगी, ठीक है, वीकनेस होती है उसकी वजह से, और इट कैन बी सो फेटल दैट कैन इवन इंश्योर डेथ, ओके, या फिर जो पेशेंट होता है वो इंसेनिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वर द टू एग्जांपल्स ऑफ एंटीपैथी। आप ए के दास टेक्स्ट बुक रेफर करेंगे, उसके पेज नंबर 99-101 में कई एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आई एम श्योर दैट विल बी हेल्पफुल, ठीक है।
फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर. आई होप आई हैव मेड एवरीवन अंडरस्टैंड. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड यस, इनसाइड ऑर्गेनॉन इज ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम, डू फॉलो इट सून. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. थैंक यू.